और हम सभी साथियों से प्रार्थना द्वारा है कि सभी चले, उसमें एक गाड़ी में पांच चार या दो भी सदस्य हों वो चले। और आगे सरकारी मेल भी मिल जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी, उसके फिर आगे कोई चर्चा होगी वो आगे देखें। ठीक है जी, सबकी एक ही फ्रीक्वेंसी, नारे जो लगवाओ, नारे लगाने के लिए राजवीर सिंह ठाकरान, प्रेसिडेंट सर छोटराम एजुकेशनल कल्चरल एजुकेशनल सोसाइटी झाड़सा गुड़गांव। सर, धनखड़ जी के अपमान में जो आपने पहले भी प्रश्न किया था, अभी आज जबल सौंपे जाए तो क्या प्लानिंग है, किस पेलर को लेकर प्लानिंग है? जो उपराष्ट्रपति जी की मर्मे की या नकल उतारी गई है उसके विरोध में हमारा समाज है, सिर्फ हमारा ही समाज, मैं सिर्फ जाट समाज की बात नहीं कर रहा, पूरा समाज ही उसके खिलाफ है। जो उन्होंने उनकी नकल उतार के जो बनर्जी जी ने, सांसद जी ने जो अपमान किया है वो पूरे देश का अपमान है। और एक उपराष्ट्रपति का पद गरिमा का पद है, जो देश में सेकंड पद है, तो उसके उपलक्ष उसमें जो उन्होंने वहाँ ये घटना की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में वे कभी ऐसा ना करें और उनको अपने आप से सबक लेना चाहिए, कम से कम समाज के सामने, पूरे हिंदुस्तान के सामने क्षमा उन्होंने याचना करनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। और सर, जो प्रदर्शन सिर्फ ओनली गुड़गांव में किया जा रहा है, पूरे हरियाणा में कई करोड़ भी किया जा रहा है? पूरे हरियाणा में चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है उनके अपमान। मैं प्रीतम सिंह, प्रधान जाट कल्याण सभा गुरुवार। सबसे पहले आज के जो कार्यक्रम का मेन मुद्दा कार्यक्रम है क्या? जो मेन मुद्दा यही है कि देश के उपराष्ट्रपति के खिलाफ एक सांसद महोदय, जो वो भी खुद अपने आप में एक जिम्मेवार नागरिक है, सांसद है, और वो यदि उपराष्ट्रपति के ये करेंगे तो आम आदमी क्या कर सकता है और क्या क्या बोल सकता है? फिर तो कोई गुनाह मतलब सब एक्सेप्ट हो गए। सेकेंड, हम उसकी निंदा करते हैं और हम मुख्य राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं ताकि इनकी सदस्यता भंग की जाए और आगे से ऐसे कोई करे उनको और भी कोई दंड हो तो वो दिया जाए। लगता है ज्ञापन देने के बाद ऐसी हरकतें दोबारा नहीं होगी? ऐसा तो हम तो उम्मीद करें कि ना हो, और इतने बड़े पद पे बैठे सांसद महोदय यदि ये करेंगे तो फिर देश के आम जनता की क्या उम्मीद है, सोच भी नहीं सकते। बात करें तो ये कहते हैं कि इनकी FIR होनी चाहिए सदस्यता के साथ, इनके खिलाफ FIR के लिए भी हम ज्ञापन दे रहे हैं, अभी इनके खिलाफ FIR की जाए। क्या लगता है सर, जिस प्रकार इन्होंने अपमान किया है, कहीं ना कहीं आज अपन उपराष्ट्रपति को पीएम के बारे में बोल सकते हैं, राष्ट्रपति के बारे में बोल सकते हैं, कितना सही काम है, क्या कहते हैं? देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो एक अलग संवैधानिक पद है, संवैधानिक। रही बात प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, पॉलिटिकल रूप से आप जो मर्जी कहें, पर ये जो अब जो हुआ है ये सबसे मतलब सब नहीं है, से सब। अगर आपने राज्यपाल को जिस पर ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज्ञापन पे कुछ होता नेक्स्ट क्या प्लान होगा? हमारा ये है कि भी देखो, हम ज्यादा राजनीतिक रूप से तो नहीं कहेंगे, लेकिन यदि जिन जिन हम प्रदेश की बात करें तो फिर दूसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी आती है, हम उनको भी सहयोग लें कि भाई
ये गलत काम हुआ है तो वो भी इसका समर्थन करें कि इनको इस टाइप को दंडन का बनाए अपराध। सर क्या इसमें जाट समाजी सहयोग कर रहा है और भी जो कष्ट लोग? नहीं नहीं, इस उपराष्ट्रपति के मामले में पूरे देश के या हमारी जो गुड़गांव में सर्व समाज के बारे में जो भी संस्थाओं के बारे में सब ने विरोध किया है भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कल्याण प्रजी मुर्दाबाद, उपराष्ट्रपति का सम्मान नहीं सहेंगे, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे। कल्याण बनर्जी मुर्दाबाद, 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 उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेंगे। पीछे तो लियो थोड़ा सर। एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया उपराष्ट्रपति इंसल्ट पे लेकर, क्या कहना है इसको, क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने अपनी? उन्होंने ये कहा कि हम आपका जो लेटर दिया है ये समाज ग्राम पर भेजेंगे और जो कार्रवाई सरकार करेगी। क्या उम्मीद लगता है इस लेटर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई अब दिख रही है सरकार की तरफ से आपको? देखो उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, स्वाभाविक बात है, जो ज्ञापन समाज विरोध करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर भी अगर नहीं 1% नहीं होता है तो आगे क्या प्लान है, किस प्रकार जा रही है? फिर हम किसान बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही, तो कांग्रेस को मोटिवेट करके उनको भी शामिल करना पॉलिटिकल इशू है, बाकी हम समाज के समाज 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 के पार्टीवादी कोई भी समाज के नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, समाज के कर्णधार हैं, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल सहने नहीं है। जय चाहते जो सांसद कल्याण मंदिर जी ने बोला है उनके फोटो खींचे उनका क्या खतर होना चाहिए लोकसभा से, और उसके बाद उन पर कार्रवाई जो कम से कम कार्रवाई नहीं चाहिए लोगों के बारे में जो बोला गया सब सही नहीं किया जाए। और ये तो सर्वे समाज प्रोटेस्ट करेंगे अगर सर्वे समाज द्वारा कार्रवाई नहीं। ठीक है समाज। सर एसडीएम साहब को आपने ज्ञापन दिया उपराष्ट्रपति इंसल्ट पे लेकर, क्या कहना है इसको, क्या प्रतिक्रिया दी है उन्होंने अपनी? उन्होंने ये कहा कि हम आपका जो लेटर दिया है ये समाज ग्राम पर भेजेंगे और जो कार्रवाई सरकार करेगी। क्या उम्मीद लगता है इस लेटर पर कहीं ना कहीं कार्रवाई अब दिख रही है सरकार की तरफ से आपको? देखो उम्मीद तो है, उम्मीद तो है, स्वाभाविक बात है, जो ज्ञापन समाज विरोध करेंगे तो कार्रवाई करनी पड़ती है। फिर भी अगर नहीं 1% नहीं होता है तो आगे क्या प्लान है, किस प्रकार जा रही है? फिर हम किसान बीजेपी अपना काम कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही, तो कांग्रेस को मोटिवेट करके उनको भी शामिल पॉलिटिकल इशू है, बाकी हम समाज के समाज 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 के पार्टीवादी कोई भी समाज के नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, समाज के कर्णधार हैं, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बिल्कुल सहने नहीं है। जय चाहते जो सांसद कल्याण मंदिर जी ने बोला है उनके फोटो खींचे उनका क्या खतर होना चाहिए लोकसभा से, और उसके बाद उन पर कार्रवाई जो कम से कम कार्रवाई नहीं चाहिए लोगों के बारे में जो बोला गया सब सही नहीं किया जाए। और ये तो सर्वे समाज प्रोटेस्ट करेंगे अगर सर्वे समाज द्वारा कार्रवाई नहीं। ठीक है समाज।